आइए रखने से रिलेटेड मैं आपको 6 सेंटेंसेस बताऊं जो बड़े काम के हैं, क्योंकि अक्सर हमें डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार आपको अपने लाइफ में कहना होता है, वह मेरी लाज रख लिया, या मैंने आपका बात रखा, वह नजर रखता है, या वह हिसाब किताब रखती है, या मैं याद रखूंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं रखना, कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना हो आपने मेरा लाज रख लिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू सेव्ड माय प्रेस्टीज, यानी आपने मेरा लाज रख लिया। वह मुझ पर नजर रखता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कीप्स एन आई ऑन मी, यानी वह मुझ पर नजर रखता है। अगर आपको कहना हो मैंने अपनी बात रखा, यानी मैंने अपने वादे निभाए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मेड माई प्रॉमिस, यानी मैंने अपनी बात रखा, या मैंने अपने वादे निभाए। अगर आपको कहना हो वह याद रखी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज बियर्ड इन माइंड, यानी वह याद रखी है। अगर आपको कहना हो मैं याद रखा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव बियर्ड इन माइंड, यानी मैं याद रखा हूँ। क्या आपको पता है नौकर रखने को बोलते हैं इंगेज अ सर्वेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने एक नौकर रखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव इंगेज्ड अ सर्वेंट, यानी मैंने एक नौकर रखा है। कई बार आपको कहना होता है हिसाब किताब रखना, जैसे वह हिसाब किताब रखती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी कीप्स अकाउंट, यानी वह हिसाब किताब रखती है। हिसाब किताब रखने के लिए आप जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो है कीप अकाउंट, यानी हिसाब किताब रखना। मैं हिसाब किताब नहीं रखता हूँ, आई डोंट कीप अकाउंट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये रखने वाले सेंटेंसेस आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।